हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा चैनल पेंडू नुस्खे दे विच, जिस विच अक्सर आपां गलबात करदे आं पेंडू ते देसी नुस्खियां बारे, जिस नाल तुसी घर बैठ के अपने शरीर दा ख्याल रख सकते हो कुछ देसी ते घरेलू उपायां नाल, जेकर तुसी कोई भी बीमारी तो ग्रस्त हो। सो दोस्तों, शुरू करदे आं अज दी वीडियो, पर वीडियो शुरू करन तो पहला एक छोटी जिही बेनती, जेकर तुसी साडे चैनल पेंडू नुस्खे ते नवे हो तां तुसी सब तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, नाल ही नाल बैल आइकन दबाउणा ना भुलना, ताकि तुहाडे तक साडीआं नवीआं वीडियोस दा डोज जां नवीं वीडियोस दी अपडेट नोटिफिकेशन राही सब तो पहला पहुंच सके। गलत खान पीन अते भज दौड़ भरी जिंदगी कारण अजकल 10 चों 7 लोग किसी ना किसी हेल्थ संबंधी समस्यावां दा शिकार ने। रसौली भी इसे विच एक वड्डी समस्या है, जिसकी एक गंढ हुंदी है जो कि औरतां दे गर्भ जां उसके आले दुआले उभरदी है। इह मांसपेशियां ते फाइबरस उकतां नाल बनदी है ते इसका आकार कुछ भी कर सकता है। इस कारण बांझपन होने की बड़ी आशंका है। उंज तां 16 तों 50 साल दीआं औरतां कदे भी बीमारी दी चपेट च नहीं आउंदियां, पर 30 तों 50 साल दीआं औरतां च इह समस्या ज्यादा वेखण नूं मिलदी है। सो अज असीं तुहानूं बच्चेदानी च रसौली होण दे कारण, इस दे लक्षण ते घरेलू इलाजां बारे दस रहे हां। सो लक्षण नूं पहचान के तुसीं घरेलू उपाय कर सकते हो। सब तो पहला, बच्चेदानी च रसौली होण दे कारण ने हारमोन, जेनेटिक, गर्भ अवस्था, मोटापा। हुणे ते करदे आं लक्षणां दी गल, कि महावारी समय ज्यादा ब्लीडिंग होना, धुनी दे थले पेट च दर्द रहना, यूरीन वार वार आना, महावारी दे समय ज्यादा दर्द होना, पेट च भारीपन महसूस होना, प्राइवेट पार्ट विच खून आना, कमजोरी महसूस होना, पेट च सोज, कब्ज, पैरां च दर्द। सो दोस्तों, इहदे हुण घरेलू इलाज की ने। ग्रीन टी तुसीं पी सकदे हो, इह बच्चेदानी दी रसौली नूं दूर कीता जा सकदा है। इस विच मौजूद एपीगैलोटेटिन गैलेट नाम दा तत् रसौली दीआं कोशिकावां नूं वधण तों रोकदा है। रोजाना 2 तों 3 कप ग्रीन टी पीण नाल बच्चे दी रसौली दे लक्षणां नूं प्रभावित ढंग नाल घट कीता जा सकदा है। अगला जी हल्दी। एंटीहाइटिक गुणां नाल भरपूर हल्दी दी वरतों शरीर चों जहरीले पदार्थां नूं बाहर कढ़दी है, रसौली दी ग्रोथ नूं रोक के कैंसर दा खतरा घट करदी है। आंवला। 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शहद मिला के रोजाना सवेरे खाली पेट लो। चंगा नतीजा पाउण लई कुछ महीने इस उपाय नूं नियमित रूप च करो। अगला जी लसन। लसन च एंटीऑक्सीडेंट ते एंटी इनफ्लेमेटरी गुण मौजूद ने, जो ट्यूमर अते बच्चेदानी फाइब्राइड दे विकास नूं रोक सकदी है। इस नूं खाण नाल रसौली दी समस्या रुक जांदी है। सो दोस्तों, तुसीं भी इस चीज़ दी वरतों करो जिहड़ियां चीज़ां असीं तुहानूं दस्सियां ने। जेकर तुसीं इस बीमारी तों ग्रस्त हो तां तुसीं अपना छुटकारा बहुत जल्द पा सकते हो। सो दोस्तों, इह सी साडी अज दी वीडियो। उम्मीद करदे हां तुहानूं बहुत वधिया लगी होवेगी, ते जेकर हाँ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਇਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।